नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आई है NBCC इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज़ है। सो NBCC इंडिया के बारे में जानते हैं कि इज़ ए प्रीमियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो कंपनी हैज़ रजिस्टर्ड सब्सटैंशियल ग्रोथ इन टॉप लाइन ड्यूरिंग FY 2018-19 एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। इट हैज़ पोस्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 558.46 करोड़। तो 550 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है और इसका टर्नओवर है 7244 करोड़। और इसका जो इमेंस स्ट्रेंथ इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसका NBCC हैज़ पैन इंडिया एज वेल एज़ ग्लोबल प्रेजेंस। सो ये इंडिया में फैला है और ग्लोबल इसका प्रेजेंस भी है। सो फॉर इस एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान बोथ इन इंडिया एंड ओवरसीज़, ये इंडिया ने ओवरसीज़ में एक्सपैंड करने के लिए कंपनी को चाहिए डायनामिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स हु आर पैशनेट टू एक्सेल एंड टेक द ऑर्गेनाइजेशन इन न्यू हाइट्स। सो कंपनी को अपना जो काम है उसको इंडिया और ओवरसीज़ में एक्सपैंड करने के लिए डायनामिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल चाहिए, जिसमें दो तीन टाइप की वैकेंसीज आई है। पहली है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, जिसका बेसिक है 1.5 लाख से 3 लाख। और ये दोनों पोस्ट जो है अनरिजर्व के लिए है, जिसकी अपर एज लिमिट 57 ईयर्स है। और क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट। और यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस काफ़ी तगड़ा मांगा गया है, 24 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ PMC EPC रियल स्टेट। और इसके बाद देखिए आप, इतना सारा इसमें दिया गया है। सो कोई भी जो भी सीनियर कैंडिडेट्स है इंटरेस्टेड है तो उसको पढ़ सकता है और अप्लाई कर सकता है। बेसिक इसका 1.5 लाख से 3 लाख का है, सो उसकी सैलरी अच्छी होने वाली है। दूसरी जो है ये भी अच्छी सीनियर पोस्ट के लिए है, चीफ जनरल मैनेजर सिविल। इसमें भी टोटल पोस्ट 2 है और इसमें भी अनरिजर्व के लिए 2 है, और 1 लाख से 2 लाख 60 हज़ार का इसका बेसिक है। 57 ईयर्स अपर एज लिमिट है, फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, और इसमें ADNS एक्सपीरियंस में आ गया है, और ये सब आप पढ़ सकते हैं। तीसरा जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसमें टोटल 10 पोस्ट है, तो ये नॉर्मली जो फ्रेश कैंडिडेट्स है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10 पोस्ट है और यहाँ पर वेरियस ब्रेकअप दिया गया है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है। इसमें अपर एज लिमिट 29 ईयर्स है और इसमें फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है, कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, यानी फ्रेशर जिसके लिए जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर्स क्या है अप्लाई करने के लिए, उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है इसकी वेबसाइट पे जाके nbccindia.com। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो 28/12 यानी आज से ये सुबह 10 बजे से चालू हो गई है, और इसकी जो फाइनल डेट है सबमिशन की वो 28/1 यानी 28 जनवरी है शाम 5 बजे तक। कोई भी अदर तरीके से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो उसको आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जैसे सब में यहाँ पर दिया गया है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, सो इसके लिए आपको 1000 रुपीज़ का जो पोस्ट 1 और 2 के लिए देना है, और 500 रुपीज़ आपको पोस्ट 3 के लिए देना है, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है। और SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी है, और उनको क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से ये फ़ी पे करनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए क्या है, 1 और 2 पोस्ट के लिए है, उसके लिए पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। सो GD और इंटरव्यू या फिर ओनली इंटरव्यू हो सकता है इसके लिए। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे, उसके बाद उनको इंडिविजुअली सेपरेटली मेल भी किया जाएगा। जो फाइनल सिलेक्शन है वो पर्सनल इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बाद बता दिया जाएगा। पोस्ट नंबर 3 के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए ये गेट मांगा गया है, जिन्होंने 2019 में अप्लाई किया है वही इसके लिए एलिजिबल हैं, और उनका जो वैलिड स्कोर कार्ड है वो उनको फर्निश करना पड़ेगा। ऑन गेट स्कोर के बेसिस पे ही उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और एक बार और यहाँ बताया गया कि प्लीज़ नोट, 2019 स्कोर है वही इसका कंसिडर किया जाएगा। प्लेसमेंट के बारे में है, उनको ऑन द जॉब कॉम्प्रहेंसिव 1 साल के लिए OJT करना पड़ेगा, और उसके बाद उनको E1 लेवल के लिए पोस्ट जो दिया जाएगा सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, जिसका पे स्केल 40,000 से लेकर 1,40,000 रहेगा। और इसमें क्या क्या रेमुनरेशन रहेगा, तो इसमें देखिए आप, बेसिक पे रहेगा, DA रहेगा, HRA रहेगा, और यहाँ पर देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह रहेगा, इसको आप देख सकते हैं, LTC लीव इनकैशमेंट,
श्योरिटी बॉन्ड उनको भरना पड़ेगा कि 3 साल के लिए उनको कंपनी को सर्व करना है, या फिर उनको 1.5 लाख रुपये उसका पे करना पड़ेगा अगर वो कंपनी 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन से आप इसको पढ़ सकते हैं कि अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना है। फ़ीस भरने के बाद आपकी एक बार बाद में रिफ़ंड नहीं की जाएगी। और जैसा इम्पोर्टेंट कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको मेल के थ्रू ही बताया जाएगा। एक सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन की कॉपी उनको अपने पास रखनी पड़ेगी। वैकेंसीज़ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। और उनको अपना ईमेल आईडी जो हमेशा एक्टिव रखना है, क्योंकि उसी के द्वारा ही ये सारा कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। और डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू के लिए एससी एसटी कैंडिडेट्स को ही 3rd AC फेयर या बस फेयर दिया जाएगा। तो इतना ही है फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन में। तो अगर आप इस वैकेंसीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करिए। एक ये नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज़ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप नहीं भी इसमें एलिजिबल हो रहे हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल पर इंडिया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।